तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा, भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल ना होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा, परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा, धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा, परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव के बताए उपायों के पीछे छिपे विज्ञान की। ब्रेक के बाद पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा, परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा, परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की, बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृह जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि, धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वादों विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल ना रहने का दिन है और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है।